तो अगर आपका किसी कंपनी से अब्सकॉन्डिंग हुआ है या टर्मिनेशन हुआ है, तो उस केस में क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब आपका गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाली? मतलब हम बात करने वाले हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे एंड सडनली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई एंड आपने वो प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब क्विट कर दी और छोड़ दी और वहाँ से आपको टर्मिनेशन मिल गया, फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी में ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि देखो, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट में स्पेशली जो PSU सेक्टर्स की जॉब होती हैं या IS PCS लेवल की जो जॉब्स होती हैं, तो मैं बता दूं ये एकदम एक डिफरेंट जॉब है। आपकी प्राइवेट सेक्टर से एकदम एक डिफरेंट जॉब है, जहाँ पे इनमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपके पास या आपके ऊपर कोई भी ऐसा एक लीगल एक्शन टाइप का केस ना लगा हो प्राइवेट सेक्टर में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं लीगल एक्शन वाली बात क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से क्या हुआ आपके ऊपर हरासमेंट का केस लगा है, आपके ऊपर FIR हो गई है, आपके ऊपर कोई एक लीगल एक्शन हो गया है जो कि प्राइवेट सेक्टर ने लिया था आपके ऊपर, तो फिर वो गवर्नमेंट में जब भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका लीगल एक्शन में निकल आएगा जब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, FIR आपका निकल आता है, सेक्सुअल हरासमेंट के केस निकल आते हैं उसमें जो FIR होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आपका टर्मिनेशन हुआ है, अब्सकॉन्डिंग हुआ है नॉर्मल चीज़ों के लिए कि आपने आज रिजाइन डाला, कल से कंपनी जाना छोड़ दिया और कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, तो उस केस में गवर्नमेंट जॉब में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आराम से निकल जाएगा गवर्नमेंट जॉब का। एंड जो अदर छोटे मोटे केस होते हैं कि थोड़ी सी बहस करी, कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कंपनी पैसे नहीं दे रही थी, आपने जॉब छोड़ दी तो अब्सकॉन्ड या टर्मिनेट कर लिया आपने उस कंपनी से, तो उस केस में आपका अगर गवर्नमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बट लीगल एक्शन टाइप का केस ना हो उसमें फिर वो डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट जिस क्या जॉब है, हो सकता है ग्रुप डी की जॉब में ये सब चीज़ें ना देखें, मे बी मैं बता रहा हूँ एक फॉर एग्जांपल, और हो सकता है आप में से कोई एक IS PCS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या PSU सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है उसमें भी जॉब पे कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो बाकी अगर FIR वगैरह का केस हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदर देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो एकदम डिफरेंट सेक्टर होता है और ये आपका एकदम डिफरेंट सेक्टर होता है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो 1-to-1 कॉल पे तो वो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, वहाँ पर चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।